सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की चोट को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही है। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। इस चोट से पहले वर्ष 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान बच्चन को एक बड़ी चोट लगी थी, लेकिन सौभाग्य से वह काम पर वापस आ गए और फिल्म सभी को पसंद आई और हिट रही। प्रशंसकों ने बच्चन के काम और फिल्म दोनों को बहुत पसंद किया। अब फिर से बच्चन ने अपनी आने वाली फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान चोटिल होने की खबर आई है। ये सच है कि बिग बी घायल हो गए हैं, मैं आपको बताती हूँ। अभिनेता ने अपने ब्लॉग पर लिखा, हैदराबाद में प्रोजेक्ट के की शूटिंग में एक एक्शन शॉट के दौरान मैं एक पसली उपस्थि के टूटने और एक मांसपेशी के फटने से घायल हो गया। मुझे हैदराबाद के AIG अस्पताल में ले जाया गया और डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया। स्ट्रैपिंग की गई है और मुझे मुंबई लाया गया। मेरे ठीक होने तक सारी शूटिंग रोक दी गई है। दुखद खबर है। अपने ब्लॉग में बच्चन ने कहा, हर रविवार को बहुत सारे लोग मुझसे मिलने मेरे घर के गेट पर आते हैं। अब ये मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जरा सा हिलना डुलना और यहाँ तक कि सांस लेना भी बहुत दर्दनाक हो रहा है। मुझे पूरे दिन लेटे रहना पड़ता है सिवाय वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है। मैं शुभचिंतकों से नहीं मिल पाऊँगा, इसलिए ना आए और आने वाले लोगों को भी सूचित कर दे। जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो सबसे मिलूँगा। बच्चन के प्रशंसक उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए कामना कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई उन्हें स्क्रीन पर देखना पसंद करता है। हर कोई उनके ठीक होने की दुआ कर रहा है। फिल्म प्रोजेक्ट के में अमिताभ बच्चन के साथ बॉलीवुड सुपरस्टार दीपिका पादुकोण और बाहुबली स्टार प्रभास भी है। फिल्म जनवरी 2024 में स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है और इसे एक सुपरहिट फिल्म माना जा रहा है। हम बिग बी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हे, सुनिए, सेंसस का गूगल फॉर्म मैंने तो भर दिया है, आप भी जल्दी भरिए।